नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप सुन चुके हैं न्यूज डिग्गी। मेरे पीछे अयोध्या का शोर और संघराज आप देख रहे हैं। महाराज जी संघराज कर रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर बनने की खुशी में। क्या नाम है आपका? राजकुमार दास, अयोध्या हनुमानगढ़ी से है जी। यहीं से हैं जी। मैं शंख बजा के सबका स्वागत करते हैं जो हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। जो हमारे देश के फौजी और हमारी बहन जो ड्यूटी करती हैं वो बॉर्डर पे जो सबकी रक्षा करती हैं, मैं उनके लिए भी शंख बजाते हैं। बजाइए शंख। कई लाख शंख बजा चुके हैं हम आपके स्वागत में। शंख बजाने के बाद युद्ध भी शुरू हो जाता है? युद्ध नहीं शुरू हो जाता, इससे आशीर्वाद मिलती है। शंख बजाने का मतलब क्या समझते हैं? खाली युद्ध में शंख बजाया जाता है? हमने तो तभी देखा है। आपके घर में पूजा नहीं होता है? पूजा में भी, तो पूजा में भी शंख बजाया जाता है। ये शंख कोई मर भी जाता है उसमें भी बजाया जाता है। ये शंख बहुत अनमोल चीज है। आपने कहा लाखों शंख बजाए हैं, कैसे? आप स्वागत करने को मंगलवार से मैं शंख बजाता हूँ। दिन भर में मैं कम से कम 40-50 बार ऐसे ही शंख उठा के मैं रोज कम से कम हजारों बार रोज शंख बजाते हैं। ये शक्ति सब हनुमान जी देते हैं हमको। हमारे हनुमान जी हैं। जैसे आप लोग कहीं कंपनी में नौकरी करते हैं तो हम हनुमान जी के छोटा सा दास राजकुमार दास हैं और अयोध्या हनुमानगढ़ी से। हमारा गुरु महाराज जी का प्रेरणा, हमारे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्रेरणा है। ये जनता जनार्दन का हमारा आशीर्वाद है। इस पावन धरती में हम इतना सौभाग्य है, हमारे माता पिता का हमारा कर्म है कि जो लोग देश विदेश से आए हैं उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ में ये धरती मैया में। और इसका श्रेय योगी और मोदी को मिलना चाहिए और घर घर भगवा लहराना चाहिए। कहाँ से हैं? मैं तो यही कहूँ, मैं उधर कहूँ। कब से रह रहे हैं? मैं तो मेरा बचपन ही से है, मैं पैदा यहीं से। ऐसा माहौल देख रहे हैं अयोध्या में? बहुत बढ़िया माहौल है इस समय, बहुत बढ़िया माहौल है। हमें गर्व की मैं अयोध्या का लड़का हूँ, मुझे गर्व की मैं अयोध्या का लड़का हूँ। मेरी 7 पीढ़ियाँ अयोध्या से हैं। पहले ऐसा कभी नहीं देखा था? पहले कभी नहीं। मेरी एज 28 साल की हो रही है। 28 साल से मैं जब से मैंने होश संभाला मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने अब देखा है कि हाँ अयोध्या अयोध्या हो गया है, राममय हो गया है। राममय हो गया है अयोध्या। कैसा बदलाव देख रहे हैं? बहुत अच्छा बदलाव देखा जा रहा है। प्रभु श्री राम की धरती पर ऐसा पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार में, योगी सरकार में जो मंदिर को हम लोग देख रहे हैं। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जय श्री राम। कहाँ से हैं? हम झारखंड गिरिडीह जिला से हैं। गिरिडीह से कब आए? हम 16-17 को आए यहाँ पे। खुश है राम मंदिर बनने? बहुत खुश है, बहुत खुश, जिसका कोई जवाब नहीं है। जय श्री राम। मोदी योगी जिंदाबाद। राजा राम की नगरी अयोध्या में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। कहाँ से हैं? मैं यही अयोध्या का हूँ। अच्छा, क्या बदलाव देख रहे हैं? मैं पूरा बदलाव देख रहा हूँ। पहले जो इतनी रोड कम चौड़ी थी अब चौड़ी हो गई है। पूरा अयोध्या चमक गया है। अब कस्बे से देश ये भी हमारा है। अयोध्या एक कस्बा था कुछ साल, अब ये देश का महानगर हो गया है। देश का फोकस इस समय अयोध्या पर है। देश नहीं, पूरे विश्व का फोकस इस समय अयोध्या पे है। और एक समय था यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं होता था, आज तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है, ISBT जैसा बस स्टॉप हो गया। बस एक ही मैं है, जय श्री राम, जय श्री राम। राम की वजह से ही हुआ है। बिल्कुल। ये हमारे जो विपक्ष लोग कहते हैं कि राम मंदिर से क्या होगा, राम मंदिर से मैं दिखाना चाहूंगा कि अयोध्या में कितना देर। अभी तो अयोध्या का शुरुआत, अभी देखिए उत्तर प्रदेश अभी दूसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था में आएगा। जब ज्यादा दिन नहीं कि विदिन दो से तीन सालों में पूरे भारत में नंबर एक राज्य होगा। अयोध्या नहीं, पूरा स्टेट, पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूपी अभी सेकंड नंबर पे आया GDP में। अभी 2-3 साल आप वेट करो, बस ज्यादा से ज्यादा टॉप नंबर 1 पे आएंगे हम लोग। महाराष्ट्र को भी बैक कर देंगे, दावा है। और इधर भी कहाँ से आए हैं आप लोग? अयोध्या 22 तारीख का इंतजार हो रहा है सबको, परसों ही है। हाँ, तो उस दिन हमारे जो आराध्य है प्रभु है वो रोम रोम में है। अयोध्या के आप देखिए कण कण में है राम। और जो लोग कहते हैं तो कहने दीजिए, जो कहते हैं उसको कहने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें हमारे राम को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे, बस। मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम।
विपक्षी बोलते तो विपक्षियों को करवाना चाहिए, राम काज में आगे बढ़ते, एक कदम आगे बढ़ाते, तब तो आपने कुछ नहीं करा, राजनीतिक कर दिया पूरे मामले को। विपक्षी ऐसा ही बोलते थे कि विपक्षियों को चाहिए मुद्दा, ठीक है, तो उनको मुद्दा मिल गया है, ठीक है। अगर आपको तकलीफ होती है तो जब आपने राम सेतु को काल्पनिक कहा, क्यों कहा आप, और आपने देखा है राम सेवकों पर जब गोलियां बरसाई गई, तो जिसके हृदय में राम है वो राम को समझेगा, वो राम को लाया, उन्होंने राम का घर बनवाया, आपको क्यों पीड़ा हो रही है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है, नहीं होनी चाहिए किसी को। वही कह रहे हैं, हमें राम का मंदिर बनवाने से तकलीफ नहीं है, मगर राम के मंदिर को जो राजनीतिक मोड़ दे दिया है उससे तकलीफ है। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए मैं बता रही हूँ ना कि विपक्षियों को सिर्फ मुद्दा चाहिए मोदी जी को, योगी जी को घेरने का, ठीक है, तो उनका वही है और वो घेरेंगे। अब उनको मुद्दा मिला है तो घेर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम। कितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे 22 के बाद, बहुत आप अभी देख लीजिए यहाँ सब डांस कर रहे हैं, अभी पब्लिक कंट्रोल नहीं हो रही है, कंट्रोल नहीं हो, आप समझिए जब बन जाएगा तो सुरक्षा उससे दो गुनी करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि हम राम मंदिर को बम से उड़ा देंगे वगैरह वगैरह, तो आप समझिए सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। शायद मुझे लगता है कि अभी तो कुछ नहीं, इससे ज्यादा तो जब रामलला विराजमान हो जाएंगे उस समय हमको ज्यादा, क्योंकि अभी तो लोग आ भी नहीं रहे ना, मना किया हुआ है। हाँ तो अभी मना किया, लेकिन जिनको आना वो आ चुके, जिनको आना वो आ चुके। आप भी यहीं से? हाँ, हम बहुत खुश हैं, हम लोग अयोध्या वासी हैं, हम लोग तो जिस दिन रामलला विराजमान होंगे हम लोग तो फूल माला बिछाएंगे, चौक बनाएंगे, रंगोली बनाएंगे, दीपक जलाएंगे, बहुत खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी कि हम लोग अपनी खुशी का व्याख्यान ही नहीं कर सकते हैं। जय श्री राम। खुशी है पब्लिक में, देखे हर कोई आपको नाचते गाते इंजॉय करते हुए मिल जाएगा, यही राम के प्रति, यही तो समर्पण है, यही तो प्यार है राम के प्रति, और क्या चाहिए, बस राम ही राम, अयोध्या राम मय है। आप ये पीछे भी देख सकते हैं कि भगवा झंडे किस तरीके से लहरा रहे हैं लता मंगेशकर चौक पर, यहाँ लोग आकर उत्साह मना रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यही के अयोध्या। क्या बदलाव देख रहे हैं अयोध्या में? बहुत सारा बदलाव हो गया, मेरी शादी को 25 साल हुए, बिहार से हूँ मैं। अच्छा। 25 साल में पहली बार मैंने इतना बदलाव देखा है, ये सब योगी जी मोदी जी का पसंद आ रहा है अयोध्या वासियों को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत तरक्की हो गई, बिल्कुल बदल गया अयोध्या, पहले की तरह तो कुछ भी नहीं रह गया यहाँ। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा मतलब विकास हर तरफ है। हाँ, बहुत सारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल गया, रोड बन गए, बहुत सारे मॉल बन रहे हैं, एयरपोर्ट भी बन गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप? अयोध्या के। अयोध्या से हैं जी? सब यहीं के हैं, आसपास के ही जी। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी, पहले से बढ़िया बदलाव हुआ है, बहुत बहुत बदलाव, बदलाव हुआ है। आप लोग भी यहीं से हैं? एमपी से। कितनी दूर से आए? 600 किलोमीटर पड़ता। कब आए? हम तो 14 तारीख से। 14 तारीख। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी? हाँ, हम लोग सब साथ में। साथ में? आप भी? एमपी से। स्वर्ग जैसे, स्वर्ग से भी सुंदर अयोध्या हो गई है अभी, देवताओं की नगरी। बिल्कुल ऐसा लग रहा, पूरे देवता यहीं विराजमान हो गए हो जैसे। अद्भुत। नाम है आपका? साहिल शर्मा, बाराबंकी से आए हैं। बाराबंकी से आए, उत्तर प्रदेश से जी। कैसा लग रहा है उद्यान? बहुत अच्छा लग रहा है, यही मन कहा यही रहे, जाए नहीं, राम की भक्ति में, राम के भक्ति में मगन है हम लोग। क्या नाम है? पुष्पा। पुष्पा नाम है। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा, स्वर्ग जैसा बना दिए मोदी जी, मोदी योगी बहुत। एक भजन भी गाना चाहते हैं। गाओ। प्रभु जी का आवन होगा, सेवरी मड़ैया सुहावन होगा, आज प्रभु जी के आवन होगा, सेवरी मड़ैया सुहावन होगा, लंबे लंबे केसिया सेवरी डगर बहारेली, डगर बहारे सेवरी डगर बहारेली, आज प्रभु जी का आवन होगा, सेवरी मड़ैया सुहावन होगा, झूठे झूठे बैर सेवरी दुनिया में सजावेली, झूठे झूठे बैर सेवरी दुनिया में सजावेली,
आज प्रभु जी का भोजन होगा, सेवरी मड़ैया सुहावन होगा। और भी लोग हैं यहाँ, इनसे बात, हमसे दो मिनट ले। कहाँ से आए हैं? हम जिला खंडवा से आए हैं, ग्राम आमोदा से आए हैं। अच्छा। हमारा नाम लवकुश पटेल है और पिताजी का नाम ज्ञान सिंह पटेल, माताजी का नाम मंगती भाई, और हमको बड़ा डिग्गी, न्यूज डिग्गी, हाँ ये बता, बड़ा खुश लग रहा है अयोध्या में। जैसे श्री राम जैसे सतयुग में त्रेता युग में आए थे, ऐसे अब आ गए हैं। और श्री राम का 22 तारीख का बड़ा महान दिन है और ये दिन सबको याद रहेगा, और हम हर गांव और हर जिले में देखा है। नहीं मांग रहे हैं, आइए और भी लोग हैं यहाँ पे जो भगवा झंडे लेके घूम रहे हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। फोटो बाद में खिंचा लेना, पहले बात कर लो। कहाँ से लाए झंडे? क्या नाम है? रितेश कुमार। रितेश, रितेश कहाँ से आए? यहीं से, यहीं के रहने वाले। अयोध्या के रहने वाले। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? हाँ, आपका क्या? दीपावली जैसा लग रहा है। बिल्कुल दीपावली बन रही है। क्या नाम है आपका? राजू मेरा नाम हुआ। हम बिहार से हैं। बिहार से? बिहार से है। कब आए यहाँ? कल ही आए हैं। कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोलो श्री राम के, बोलो हनुमान के। और ये सारे लोग हैं, और आप देख रहे हैं कि पीछे पुलिस के भी सुरक्षा के इंतजाम हैं, पूरी भीड़ है, और कुछ लोगों ने मोदी के कटआउट भी उधर लगा रखे हैं। ये लता मंगेशकर चौक है जहां लोगों में भारी उत्साह है कि कल का दिन शेष है और परसों ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, उसके बाद आम लोग भी अपने प्रभु राम का दर्शन कर पाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए कैमरा पर्सन आनंद के साथ। हाँ जी बोलिए। पूरे विश्व में, छोड़ दीजिए मैं पकड़, पूरे विश्व में अभी हर्षोल्लास का है। 22 तारीख को पुनः राम जी अपने अवतार में आ रहे हैं, उसका प्राणों प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो बहुत खुशी की बात है। सभी आदमी सहयोग करें, इसका आनंद उठावें, कोऑपरेट करें, ठीक है। और आप मीडिया भाई से भी अनुरोध है कि इसका भरपूर सहयोग करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं गजेंद्र सिंह, अयोध्या।